हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सब लोगों का एक नए मैच के प्रेडिक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज का मैच जिस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ECS T10 ओस्टिया 2024 का मैच नंबर 26 यानी कि 26 जो कि खेला जाने वाला है CRC वर्सेस DST टीम के बीच में। दोस्तों, मुकाबला स्टार्ट होगा 31 अगस्त 12:30 यानी दोस्तों दोपहर के टाइम, और खेला जाएगा सीब्रान क्रिकेट ग्राउंड लोअर ऑस्ट्रिया के पिच पर, जहां पर दोस्तों रिसेंटली 25 मैच कंप्लीट हुए हैं ECS T10 ओस्टिया 2024 के, और आने वाले सभी मैच इसी वेन्यू पर खेले जाने वाले। तो आज के इस मैच में दोस्तों हमारी मेगा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन से 11 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे जो कि आज के इस मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट प्रोवाइड करने वाले हैं, जिनको आपको अपने टीम में ट्राई करके चलना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों करना होगा, पिच रिपोर्ट क्या होगी, बैटिंग पिच होगी दोस्तों या बॉलिंग पिच, स्पिनर या पेसर किसको ज्यादा विकेटें मिलने वाली है, और दोस्तों प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, और आज के इस मैच में दोस्तों कितने ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे जो कि लो सिलेक्शन होंगे, जिनको कोई अपने फैंटेसी टीम में लेकर के जाने वाला नहीं, बट दोस्तों आपको उनको ट्राई करना है। एंड अगेन यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की कुछ टिप्स और ट्रिक, जो कि दोस्तों 99% आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, और फ्लॉप के चांस भाई 1% ही रहने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग कंप्लीट करिए वीडियो को वॉच करके, जिससे कि दोस्तों कहीं ना कहीं आप फिलहाल आपके यूनिक टीम बनाने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फ्री गिवे दोस्तों आपको पता है इस चैनल पर रेगुलरली हर वीडियो में रहता है, 4 दोस्तों यहां पे जो है विनर रहने वाले। कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर दोस्तों जो है आपको फिलहाल नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना होगा, एंड फिलहाल जो सब्सक्राइब करके रखेंगे इस वही गिवे विनर बनेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपको जरूर ज्वाइन करना है, कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगेन एक कमेंट्स करिए, ठीक है, जो भी आपको लगे वीडियो से रिलेटेड, फिर आपको जो है यहाँ पे आपके कमेंट्स को यहाँ पे शेयर किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। एंड यहाँ पे जो फिलहाल होगा मैं अपना कॉन्टैक्ट शेयर करता हूँ, जिससे कि आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और अपना पेमेंट डिटेल्स भेज करके गाइस अपना प्राइस प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। कमेंट्स आपके ऊपर होगा डिपेंड कि कैसे आपको करना है भाई, 4 कमेंट्स यहाँ पे मैं पिक करूंगा जो मुझे सबसे अच्छे लगने वाले। देखिए दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। सीब्रान क्रिकेट ग्राउंड जो कि लगातार इसी वेन्यू पर मैच हो रहे हैं, हालांकि दोस्तों आपको पता होगा इस मैच के बारे में किस हिसाब से ये मैच हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपने रिसेंटली दोनों टीम का मैच जरूर किया होगा जो कि CRC वर्सेस DST का। बाकी दोस्तों पिच रिपोर्ट क्या हो सकती है, टोटल यहां पर 25 मैच कंप्लीट हुए, जिसमें दोस्तों 14 मैच जो है टीम पहले बैटिंग करने वाले ने जीता है, और यहां पर 9 मैच दोस्तों चेस करने वाली टीम ने विन किया। हालांकि दोस्तों यहां पर 23 मैचेस हमने जो है फिलहाल यहां पर डाटा आपको प्रोवाइड किया, 2 मैच दोस्तों यहां पर रनिंग है, T10 मैच है, आपको पता है 2-2 घंटे बाद फिलहाल जो है मैच स्टार्ट होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें हेड टू हेड मुकाबलों की, तो 4 मुकाबले खेले गए सीआरसी वर्सेस डीएसटी के बीच में, जिसमें कि दोस्तों सीआरसी ने एक भी मैच विन नहीं किया, हालांकि डीएसटी ने दोस्तों 4 मुकाबलों में से 3 विन करे और एक मैच का दोस्तों नो रिजल्ट था, जो दोनों टीमें आपस में खेलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डीएसटी टीम मजबूत देखने को मिल रही है अगेन, बट दोस्तों सीआरसी टीम का रिसेंट फॉर्म काफी बढ़िया रहा है इस सीजन, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। सीआरसी टीम ने इस सीजन दोस्तों कहीं ना कहीं 5 मुकाबले खेले, जिसमें कि 4 विन करें और दोस्तों 1 लॉस है, हालांकि डीएसटी टीम की बात करें, इस टीम ने जो है 4 मुकाबलों में 3 विन करें और दोस्तों 1 लॉस है, दोनों की कंडीशन ठीक है, और दोनों तरफ से आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी रखने होंगे जो कि आपकी मेगा ग्रैंड लीग में कहीं ना कहीं काफी अहम भूमिका निभाए और दोस्तों काफी आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट प्रोवाइड करें। तो गाइस किस हिसाब से टीम बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा आपको एक ऐसी फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है 1x11, काफ़ी गजब की एप्लीकेशन है, खेलना आसान है, जीतना आसान है, और दोस्तों विड्रॉल तो इंस्टेंटली होता है, मतलब दोस्तों 4 से 5 मिनट में, और यहाँ पे GST TDS वाला कोई फंडा नहीं है, बिल्कुल आप फ्री में खेल सकते हो, और गिवअवे भी दोस्तों यहाँ पे लगातार होते रहते हैं। CPL आपको पता है स्टार्ट है, अगर आप यहाँ पे खेलोगे तो भाई अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों हर मैच में आपको 10,000 फर्स्ट प्राइज गिवअवे बिल्कुल फ्री में मिलता है, एंड साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जीतना आसान है, और आपको पता है यहाँ पे बहुत कम लोग खेलते हैं, तो भाई आप चुटकियों में जीत सकते हो। तो बिल्कुल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, कॉमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 5 रुपए की अगर आप टीम बनाओगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं फर्स्ट प्राइज कितना होगा वहां पे आप सोच भी नहीं सकते, 4,000 दोस्तों फर्स्ट प्राइज रहने वाला है, और बहुत कम मेंबर रहने वाले हैं, तो बिल्कुल भाई कंपटीशन कम है, लो कंपटीशन के साथ खेलिए और जीतिए अच्छा पैसा। दोस्तों T10 मैच है दोस्तों, आप जो है अल्ट्रा क्लीनशिप कर सकते हो उस एप्लीकेशन पर, तो डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, लॉग इन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, डिपोजिट पर दोस्तों कोई पैसा नहीं, विदड्रॉल पर कोई पैसा नहीं, तो बिल्कुल बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सीआरसी टीम के बारे में, क्या बैटिंग ऑर्डर होगा दोस्तों, क्या बॉलिंग ऑर्डर रहने वाला है, कौन से बेंच खिलाड़ी यहाँ पे रहेंगे, अगर अचानक से खेलेंगे तो उनको आप ट्राई कर सकते हो, और कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे प्रमोट हो सकता है, कौन सा नीचे बैटिंग करने आ जाएगा, वो भी दोस्तों समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों कहने के आपको पता है सीआरसी की तरफ से जो ओपनिंग होती है अमर नईम और जिसान आरिफ के द्वारा, जिसमें दोस्तों अगर हम अमर नईम की बात
करें तो ये खिलाड़ी अभी बॉलिंग नहीं कर रहा, ठीक है, एक भी मैच में इसने बॉलिंग नहीं कराई। पर दोस्तों अगर आप चार मैच के इसके परफॉर्मेंस देखोगे तो पहले मैच में 88, फिर 61, फिर दोस्तों 61 और फिर 62, खिलाड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। बाकी T10 करियर भी दोस्तों बढ़िया है, 46 मैच में 1004 दोस्तों 31 का हो जाता है। तो खिलाड़ी को आपको रखना होगा, आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो, जैसे आपसे परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की ऑप्शन होगा, बट अगर आप 2 से 3 मेगा ग्रांड लीग की टीम बनाते हो तो बिल्कुल आपको ट्राई करके चलना है। रिस्की इसलिए होगा इसके कुछ सामने टीम के पास भी बॉलिंग लाइनअप काफी खतरनाक है। इनके साथ दोस्तों जो ओपनिंग करते हैं जिसान आरिफ, जो कि राइट बैट्समैन विकेट कीपर है, ये खिलाड़ी दोस्तों लास्ट मैच में इसने बॉलिंग कराई 34+2 विकेट, उससे पहले 18 रन, यहाँ पे 16 रन और यहाँ पे दोस्तों 8 रन, यहाँ पे 51 रन, इस हिसाब से खिलाड़ी ने खेला है। हालांकि खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक है। और अगर टीम सिलेक्शन की बात करेगा तो टीम सिलेक्शन बिल्कुल आपको करना होगा। T10 करियर दोस्तों 54 मैच में 795 रन, 22 का औसत है, खिलाड़ी बढ़िया है और बॉलिंग के चांस थोड़े से कम बनते हैं, बॉलिंग थोड़ा सा कम भरोसा करिएगा, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक रिस्की ऑप्शन होगा, बट मैं यही कहूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन आप ना ट्राई करें तो ही दोस्तों बेस्ट रहेगा। बिलाल जल में जो कि राइट बैट्समैन और ब्रेक स्पिन बॉलर से, खिलाड़ी दोस्तों लगातार आप देखोगे तो 2 मैच में इसने बॉलिंग नहीं कराई, बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे 55+2, 2+1, 57+2 और यहाँ पे दोस्तों 8 रन, खिलाड़ी कैप्टन के लिए सबसे सेफ ऑप्शन होगा। हालांकि कैप्टन की पिक भी दोस्तों सभी का ज्यादातर रहने वाला है, ठीक है, बट आपको भी ट्राई करके चलना है। बट एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो आप ये देखते होंगे फैंटेसी एप्लीकेशन पर, ज्यादा तो लोग जो CVC करते हैं ना कॉम्बिनेशन, वो आपको नहीं करके चलना दोस्तों, ठीक है, वो आपको लास्ट टाइम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे खोग यानी कि जो कि फिलहाल रिसेंट अगर आप देखोगे 51+0, 11+0, 0 विकेट यहाँ पे 0 और यहाँ पे 37+1 विकेट, खिलाड़ी ये भी दोस्तों यूनिक है, लगातार 2 ओवर करा रहा है हर मैच में, ठीक है, 2 ओवर हर मैच में करता है, बैटिंग के चांस थोड़े से कम बनते हैं अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है। और यहाँ पर दोस्तों जल्दी से कोई खिलाड़ी आउट होता है तो उस कंडीशन में ये खिलाड़ी बैटिंग अच्छी कर जाएगा। हालांकि चेस करते हुए फिर CVC अगर आप थोड़ा सा ये सोच रहे हो यार हमें ट्रम्प कार्ड CVC बनाना होगा, तो उस कंडीशन में चेस करते हुए आप CVC ना करिएगा, फर्स्ट बैट करते हुए थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। हालांकि रिस्क लेना ये होगा कि बहुत ज्यादा रिस्क, क्योंकि दोस्तों लगातार आप बॉलिंग देख रहे हो, ये कर रहा 2 ओवर, बट दोस्तों कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 5 से 6 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 1 ही विकेट मिली है। T10 करियर 21 मैच दोस्तों 15 विकेटें हैं, 325 रन, 25 का औसत है, बैटिंग मिलेगी तो अच्छा बैटिंग करेगा, कैसे प्रमोट होता है ऊपर तो फिर कहीं ना कहीं बढ़िया खेल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे डेनियल एक्सटेन की, जो राइट बैट्समैन राइट मीडियम पेसर है, लगातार दोस्तों ये खिलाड़ी भी 2 ओवर कर रहा है, ध्यान रखिएगा लास्ट मैच 13+1 विकेट, 40+0, 12+1, 1+3 विकेट, 33+1 विकेट, खिलाड़ी इसको ज्यादातर लोग CVC करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कैप्टन जो कि ज्यादा तो लोग यहाँ पे बिलाल जैमी को करेंगे, वाइस कैप्टन यहाँ पे डेनियल एक्सटेन को करेंगे, बट दोस्तों ये खिलाड़ी कब बढ़िया होगा, जब पहले टीम बैटिंग करेगी CVC के लिए, अदरवाइज चेस करते गए उस कंडीशन में फिर मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क खिलाड़ी रहेगा आपके लिए। एंड अगेन यहाँ पे बशीर खान जो कि राइट बैट्समैन है, अब ये खिलाड़ी दोस्तों अगर आप देखोगे 3 से 4 मैच इसने खेले, लास्ट मैच में इसको बॉलिंग नहीं मिली, पहले मैच में यहाँ पे अगर आप देखोगे 19+1, फिर यहाँ पे 18+1, ये खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड बनेगा, रिस्क ले सकते हो उस खिलाड़ी के ऊपर। एंड T10 करियर दोस्तों जो है 81 मैच में 44 विकेटें, 1078 रन दोस्तों, 25 का औसत है, ऊपर प्रमोट होता है तो अच्छी बैटिंग करके देगा आपको। सदनान खान की बात करेंगे, राइट बैट्समैन राइट आर्म फास्ट पेसर है, 2+1, 0+1, 1 विकेट दोस्तों यहां पे फिलहाल इसने खेला नहीं, यहां पे बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली, हालांकि एक हिसाब से रिस्की खिलाड़ी कह सकते हो, बट यार 3 मैच में लगातार कंसिस्टेंट बॉलिंग भी कर रहा है तो रिस्क तो बनता है इस खिलाड़ी के ऊपर, ठीक है। एंड अगेन यहां पे T10 करियर 45 मैच में 35 विकेटें हैं, तो खिलाड़ी को बॉलिंग ज्यादातर मैचेस में मिल जाती है। अब दोस्तों यहां पे लास्ट टाइम के जो आपको 4 खिलाड़ी मिल रहे हैं, जैसे कि मिल रहा है शाहिद होतक जो कि दोस्तों बॉलिंग और बैटिंग नहीं मिलती इनको, एंड यहां पे नैज जो कि फिलहाल इनका भी वही हाल है दोस्तों, लास्ट मैच में बॉलिंग बैटिंग नहीं, यहां पे बॉलिंग और बैटिंग नहीं, 2 मैच में इनसे बॉलिंग कराई गई जिसमें कि 1 विकेट है। और लास्ट के 2 प्लेयर आप देखोगे अवेस अहमद और यहां पे फिलहाल असदुल्ला, जिनके पास कुछ खास रोल है नहीं दोस्तों, तो 4 खिलाड़ी बहुत ज्यादा रिस्की होंगे। हालांकि अगर हम बात करें सिलेक्शन की गई तो यहां पे टॉप 2 आप रख लीजिएगा, 3rd नंबर खिलाड़ी भी आपको रखना होगा और यहां पे दोस्तों खोगयानी को भी। एंड अगेन यहां पे डेनियल एक्सटेन जो कि CVC का भी आपके पास ऑप्शन, बशीर खान ट्रम्प कार्ड होंगे दोस्तों और साथ साथ यहां पे सदनान खान, ठीक है, ये 2 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी रहेंगे आपके लिए जिनके ऊपर आपको रिस्क लेना है कंडीशन के हिसाब से, वो दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें यहां पे बॉलिंग ऑर्डर की, तो स्टार्टिंग में आपको डेनियल एक्सटेन और यहाँ पे जो है सदनान खान और खोगयानी बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। डेथ की बात करें तो जिसान आरिफ, बिलाल जलमई और जिसान आरिफ दोस्तों, ठीक है, जिसान आरिफ एक ऐसा खिलाड़ी है जो लास्ट मैच दोस्तों इसने बॉलिंग कराई थी, हालांकि ज्यादातर मैचेस में इसने बॉलिंग नहीं कराई, ये आप देख सकते हो, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेकर चलना आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे बेंच की, तो इस टीम में जो आपको बेंच में मिलने वाले वकार जलमई और साहब खान, ठीक है, यहाँ से कोई खिलाड़ी अपडेट होता तो टेलीग्राम चैनल पर आपको दिया जाएगा। बाकी वकार जलमई का रिसेंट अच्छा है, ठीक है, दोनों खिलाड़ी बेस्ट हैं, बट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कौन सा खिलाड़ी खेलता है, ठीक है, टॉस के बाद वो टेलीग्राम चैनल पर बताया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं इनको इंक्लूड किया जाएगा अपने फैंटेसी मेगा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम में। दोस्तों बात करेंगे सामने टीम जो DST रहने वाली है, इस टीम का दोस्तों क्या प्लेइंग 11 है आप यहाँ पे देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर क्या गई वो भी आप देख सकते हो। हालांकि जो ओपनिंग होती है कदर गुल, उत्मन जय और यहाँ पे इकबाल हुसैन के द्वारा लास्ट मैच में, उत्मन जय की बात करेंगे तो रिसेंट अगर आप देखोगे 4 मैच,
फिलहाल यहाँ पे पहले मैच में एक, फिर यहाँ पे 39, 47 और यहाँ पे 21। तो एक हिसाब से अगर आप 2 से 3 मेगा ग्रांडली की टीम बनाते हो, दो टीम बनाओगे तो एक टीम में दोस्तों ट्राई करना है, एक टीम से ड्रॉप करके चलना है, क्योंकि दोस्तों सामने वाली टीम में आप देख रहे हो कि कहने की जो ऑलराउंडर वहाँ पे बॉलिंग थोड़ा सा बढ़िया हो रही है। ठीक है, T10 करिए 65 मैच में 1168 रन 20 का औसत है। हालांकि खिलाड़ी तेज खेलता है, दो मैच में फ्लॉप भी रहा है, तो दो टीम में एक टीम में आपको ट्राई करके चलना है। एंड इकबाल हुसैन राइट बैट्समैन विकेट कीपर है दोस्तों। इस खिलाड़ी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें 43 यहाँ पे, 52 यहाँ पे, 10 और यहाँ पे 6, खिलाड़ी रखने लायक होगा। बट ऐसा नहीं कि दोस्तों दो टीम बना रहे हैं, तीन टीम बना रहे हो तो सभी में आप इनको इंक्लूड करो, वो गलती आपको नहीं करके चलो, क्योंकि दोस्तों ये हाईएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी होंगे, ज्यादातर टीम में आपको मिलने वाले हैं। और आपको इसी प्रकार के रिस्क की खिलाड़ी जो है ड्रॉप करने का रिस्क भी लेना होता है, और कहीं ना कहीं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का भी रिस्क होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 52 रन, 43 यानी यहाँ पे 39 और यहाँ पे 47 गेज। ठीक है, मतलब पूरा गेम जो सस्ता गेज कहीं ना कहीं इस प्रकार के बड़े खिलाड़ियों से या तो फिर दोस्तों छोटे खिलाड़ियों से। ठीक है, जो लगातार बॉलिंग कर रहे हो और बॉलिंग विकेट न मिल रही हो और अचानक से दोस्तों विकेट निकालते हो। ठीक है, T10 करियर 72 मैच में 1638 रन 26 का औसत है। तीसरे नंबर दोस्तों खिलाड़ी यहाँ पे आपको मिलते हैं मोहम्मद सफी, लेफ्ट बैट्समैन राइट आर्म फास्ट पेसर हैं। 13 यहाँ पे 39 यहाँ पे दोस्तों खेला नहीं, यहाँ पे भी खेला नहीं, हालांकि बैटिंग ठीक ठाक नंबर पर, तो यह टर्म कार्ड बनेगा। बट दोस्तों आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, इसका सिलेक्शन रेशो बहुत कम रहने वाला है। इस खिलाड़ी के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, मैंने कहा कि दो टीम बनाओगे तो इन दो में किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क लेकर के इस खिलाड़ी के ऊपर आप जो है रिस्क लीजिएगा मेगा ग्रांडी को स्मॉल लीग में। ठीक है, मतलब इस प्रकार के खिलाड़ी आपकी किस्मत चमकाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन रेशो इसका बहुत कम रहने वाला है। T10 करियर 32 मैच 480 रन 21 का औसत भी, खिलाड़ी बढ़िया भी खेलता है। अब दोस्तों चौथे नंबर खिलाड़ी आपको मिलते हैं अमन अहमद जई, जो कि राइट बैट्समैन राइट आर्म स्पिन बॉलर्स हैं। लगातार दोस्तों ये खिलाड़ी जो है 3 मैच से बॉलिंग कर रहे हैं, बट पहले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी। खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लेना होगा, लास्ट मैच आप देख सकते हो। ठीक है, और 3 मैच से लगातार विकेट भी है, 3 मैच से 2 विकेट भी निकाल चुका है, तो खिलाड़ी को टीम में लेकर के चलना है। और T10 करियर 59 मैच में 569 रन दोस्तों 19 का औसत 32 विकेटें मिल गई। ठीक है, अगले खिलाड़ी यहाँ पे आपको मिलते हैं सफीउल्ला जुजुबजई, जो कि राइट बैट्समैन है। 6+0 19+1 0 विकेट यहाँ पे 15+2 विकेट। ये खिलाड़ी लगातार 2 ओवर कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस और ज्यादा करना होगा। हालांकि दोस्तों 4 मैच में इसने जो है 3 विकेट भी निकाली है और हर मैच में बॉलिंग करता है, मतलब बैटिंग नहीं तो बॉलिंग करेगा, तो इससे खिलाड़ी आपके लिए रहेगा। T10 करियर 13 मैच दोस्तों 3 विकेट हैं अभी की रिसेंटली वाली, बाकी यहाँ पे 69 रन भी हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें अगले खिलाड़ी की, तो साहिल जाटन, जो कि राइट बैट्समैन राइट आर्म मीडियम पेसर हैं। ये खिलाड़ी भी लगातार दोस्तों 2 ओवर कर रहा है, 2 ओवर 1 ओवर इस हिसाब से कंडीशन बनती है, बट दोस्तों 4 मैच में सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट हैं। तो कहने का अगर आप यहाँ पे जुजुबजई के ऊपर रिस्क लेते हो, साहिल जाटन को ड्रॉप करके चल सकते हो। T10 करियर दोस्तों काफी ज्यादा अनुभवी है, 103 मैच 682 रन 71 विकेट हैं। ठीक है, बैटिंग के चांस बहुत कम बनते हैं। अगले खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पे आसिफ जजई, जो कि राइट बैट्समैन विकेट कीपर हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो इनको एक मैच में ना ही बॉलिंग मिली नहीं बैटिंग, उसके बाद यहाँ पे बैटिंग मिली 1 रन, लास्ट में जो बॉलिंग 1 विकेट यहाँ पे 21+0। तो कहीं मैं जहाँ तक सोचूंगा कि यार ये खिलाड़ी थोड़ा सा प्रमोट हो सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास अनुभव भी है दोस्तों 38 मैचेस का, और फिलहाल जो है इस खिलाड़ी ने रिसेंट 1 विकेट भी निकाल लिया, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ट्रम्प कार्ड आपके लिए बन सकता है। अगले खिलाड़ी दोस्तों जो कंसिस्टेंट है, इसाक सफी, जो कि लगातार विकेट है, 2 विकेट यहाँ पे, 2 विकेट, 2 और यहाँ पे 1, मतलब दोस्तों 4 मैच पे 7 विकेट हैं। खिलाड़ी यूनिक होगा, ट्राई कर सकते हो। 53 मैच 34 विकेट ओवरऑल T10 करियर में इनकी। मोहम्मद सदीक की बात करें दोस्तों, जो कि राइट आर्म स्पिन बॉलर्स हैं, इनका भी दोस्तों कुछ खास रोल है नहीं टीम में। अगले खिलाड़ी मिलते हैं यहाँ पे ज़ेबरान खान, इनका भी दोस्तों कुछ खास रोल है नहीं टीम में। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि जियाउर रहमान सिमारी की, तो राइट आर्म फास्ट पेसर हैं दोस्तों। लास्ट के 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग कराई, जिसमें कि 1 विकेट है। T10 करियर दोस्तों 29 मैच में 26 विकेट है। खिलाड़ी बढ़िया होगा, इस प्रकार के ट्रम्प कार्ड खिलाड़ियों को आप फोकस कर सकते हो अपनी मेगा ग्रांड लीग और स्मॉल लीग की टीम में। बाकी दोस्तों आगे बढ़ेंगे और फिलहाल बात करेंगे बॉलिंग ऑर्डर के बारे में। तो स्टार्टिंग में जो आपको यहाँ पे बॉलर्स मिल रहे हैं, इसाक सफी, साहिल जाटन, जियाउर रहमान सिवानी गज, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आपको बॉलिंग करके देते हैं DST टीम की तरफ से। डेथ की बात करें अहमद अहमद जई, ठीक है, अमन अहमद जई, सैफुल्ला जुजुफ जई और यहाँ पे आसिफ रजई गज, ठीक है। तो ये कहने के स्टार्टिंग और डेथ के बॉलर्स हैं। बाकी बेंच की बात करेंगे तो गई यहाँ पे जो बेंच प्लेयर आपको मिले, रजमन सिंगवल और यहाँ पे नूर अहमद जई, उस्मान खान। अभी यहाँ पे गई कोई भी अपडेट होगा टेलीग्राम चैनल पर आपको बताया जाएगा। बाकी दोस्तों कहीं ना कहीं ये तीनों खिलाड़ी ही बेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस्मान खान अगर खेलते गए तो 7 मैच में 13 विकेट हैं। T10 रिकॉर्ड काफी गजब का है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम जरूर आएगा। अब दोस्तों अभी के लिए जो हमारी एक टीम का है, तो आप लोग यहां पे देख सकते हो, ठीक है। विकेट कीपर से 4 खिलाड़ी रखी है, पहली टीम है दोस्तों। दूसरी टीम आनी बाकी है वो टेलीग्राम चैनल पर टॉस के बाद। हालांकि इस टीम को भी आपको अपडेट करना होगा टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि दोस्तों वहां पे क्या होता है टॉस के बाद, क्या है T10 मैच है तो बैटिंग भी प्रमोट होती है किसी किसी खिलाड़ी की, तो उस कंडीशन से आपको टीम मिलती है। बैटिंग से दोस्तों कहने का हमने अहमद जय को रखा, जो कि बॉलिंग भी करते हैं। अब दोस्तों यहां पे ऑलराउंडर हमने कैप्टन किया बी जलमई को और खोगियानी को वाइस कैप्टन किया। जब दोस्तों यहां पे कहने का जो पहली वाली टीम है, ठीक है, सीआरसी टीम पहले बैटिंग करेगी, तो उस कंडीशन से हमने खोगियानी को वाइस कैप्टन किया। डी एक्सटेंड के साथ
सभी लोग जाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जोसेफ जय को हमने रखा है, बॉलिंग सेक्शन एस जॉर्डन और यहाँ पे सफी को हमने रखा है, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए एक टीम का प्रीव्यू, बाकी फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा मेरे भाई, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको जीतना है, ठीक है। एक मैच तो हम कवर कर पाते हैं, बाकी दोस्तों अगर दूसरा मैच भी कवर करते हैं तो दूसरे चैनल पर, वो लिंक आपको वीडियो को टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। बाकी दोस्तों सभी मैचेस की टीम, क्योंकि आपको पता है पाँच पाँच मैच होते हैं, तो सभी मैचेस की टीम जो हम देने के लिए प्रयास करते हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कॉमेंट सेक्शन और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला है। हालांकि दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था तो कर दीजिएगा, फ्री गिवे पार्टिसिपेट नहीं किया तो कल जगह चार नाम अनाउंसमेंट होंगे, उनमें से दोस्तों आपका भी नाम आ सकता है। 50-50 रुपीस दोस्तों जो है पेड करते हैं हम, ठीक है। और बिल्कुल ये आपको कम लग रहा हो बट दोस्तों कहीं ना कहीं हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है गाइस 10,000 बोल के हम आपको पैसे ना दे गाइस, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है। हालांकि अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा गाइस तो ये प्राइस भी बढ़ेगा और गिव वे विनर नेम भी काफी ज्यादा होंगे दोस्तों, ठीक है। हालांकि अभी के लिए इतना ही था, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।